करती हूँ हम सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सुबह उठे हैं, नहा धो के रेडी रेडी हो चुके हैं, सारे काम कर लिए हैं। आज हम कार्ड के ऊपर जो भगवान का निमंत्रण है, सारे भगवानों का, जिन जिन के कार्ड जाता है उनको इनवाइट करेंगे। कार्ड की लाइन यहाँ पे लगी हुई है और इसमें इसके अंदर भी कार्ड्स वगैरह रखे हुए। और सुबह सुबह खिलौने वाला आया था तो वेद ने ये बंदूक ले ली उससे। वेद बंदूक चला के दिखाना चला के दिखाना वेद कैसे चलाता है। और तेरी चलाता है। और सुबह से चाबी भी ढूंढ रहे थे, इसने पता नहीं कहाँ चाबी छुपा दी। खाने में क्या है मम्मी आज? क्या खाने में क्या है आज? वाओ क्या कढ़ाई है खाने में भाई। मैं तो खाना खाऊंगा मम्मी। क्या हाल है आपके? नहीं नहीं थाली। अब मम्मी कहाँ से की थाली सजाएगी भगवानों के कार्ड वगैरह रखने के लिए। तिलक रोली मोली सब कुछ करेंगे उनके, फिर उसके बाद में करेंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद, 12:30 बजे के बाद का मुहूर्त है तो उसमें लग जाएंगे। आज काम भी है थोड़ा करेंगे, लेकिन यार इनको शॉपिंग भी करानी है खुशबू को और वेद को, तो इनको लेके चलेंगे शॉपिंग वॉपिंग कराने। आज वेद के तो आज कुर्ते पजामे वगैरह ड्रेस व्रेस शूज वूज सब फाइनल करते हैं फटाफट। फिर खुशबू करेगा तो उसको बेस वेस दिलवाना है, तो उनका देखते कैसे क्या होता है। अभी खाने का करके फिर उसके बाद में मिलते हैं आप लोगों से। गाइस इसके पता नहीं क्या हो गया है, दिन और रात मम्मी के इसके द्राक्ष वाले के पीछे पड़ा रहता है और आता है। मम्मी इसकी चम्मच का है, मम्मी इसकी नहीं वेद, माँ को बोलो माँ चम्मच दो। और यहाँ पे पूजा की थाली लगना स्टार्ट हो चुकी है, मम्मी लोटा वगैरह ये सारी चीजें ढूंढती है। मम्मी से ज्यादा रिकवर तो ये कर जाएगा इसको खा खा के। ले दे दी माँ, दे दी माँ, दे दी बस जाओ जाओ। आठ के तिलक विलक हो रहा है। इनकी पूजा वूजा होगी भगवानों के लिए जो निकाले जाएंगे कार्ड। तो गाइज अभी शादी में जो साड़ियां देनी है सबको, बहन बेटियों को, उनकी लिस्ट के ऊपर नाम लिखा जा रहा है सबका, जिससे क्या है उनको देने में आसानी होगी। और कौन सा किसको कलर दिया जा रहा है ये कलर डिसाइड कर रही है मम्मी जी, नहीं मम्मी डिसाइड कर रही है, सबको पता है। मतलब खुशबू तो नहीं कर सकती यार, हीमोग्लोबिन की कमी बताइए डॉक्टर ने इसके 9.5 से डायरेक्ट। बहुत बढ़िया। आज बच्चे सारे इकट्ठे हो चुके हैं खेलने के लिए, हल्ला गुल्ला मचाने के लिए। और वेद ने तो अपनी गन भी ले ली। मैथिली तू सबसे भोली है ना, मैथिली तू सबसे भोली बच्ची है ना, और अयांश सबसे शैतान है ना, अयांश शैतान है ना, मम्मा बुला रही है आ जा। बंदे सो के आ चुके हैं, इनकी आंखों से आपको पता लग जाएगा मतलब कि क्या ही सूजन आ रखी है। हाँ ये हमारे लिए क्या, पहले आंखें खोलो एक बार सो के उठियो। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए विद फैमिली, और हम फैमिली को लेके जा रहे हैं एक्टिवा पे। हम तीनों आ चुके हैं एक्टिवा पे, वेद बीच में फंसा हुआ है, और हम जा रहे हैं हमारी ड्रेस को फाइनल करने, क्योंकि वो ड्रेस आई तो थी लेकिन थोड़ा क्या उसमें मेजरमेंट इशू आया है, तो वो एक बार वापस दिखाएंगे उसको, फिर उसके बाद में बेस्ट क्या हो सकता है वो उसको करेंगे। तो अब आपको मिलता है डायरेक्ट शॉप दुकान के ऊपर। अभी ड्रेस वेस देख रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कलेक्शन है भैया के पास में। और वेद भी आया ड्रेस देखने के लिए, वेद को भी पसंद आ रही है ना ड्रेस, वेद को भी पसंद आ रही है ड्रेस। अब इसके बाद में यहाँ से देखते हैं, अब वेद की ड्रेस लेंगे, बगल में दुकान है वहाँ से, फिर उसके बाद में फाइनलाइज करेंगे सब कुछ क्या है क्या नहीं। गाइस हम सब रेडी हो चुके हैं शादी में जाने के लिए, फंक्शन है एक टीका, उसमें जाने के लिए कार्ड वेद ने रखा था ना कहीं पे। ऑल सेट चलते हैं, रेडी वेडी हो चुके हैं, शूज वूज पहनते हैं और निकालते हैं टैंक को, और फिर चलते हैं शादी में फंक्शन अटेंड करते हैं। शूज कहाँ रख दिए अपने, शूज कहाँ रख दिए अपने। सो गाइस हम शादी में आ चुके हैं फंक्शन में, कहाँ थोड़ा गंदा हो रखा है लेकिन नेवर माइंड। एंट्रेंस बड़ी शानदार लगी है मेरे को इसकी, ये देखो माधवगढ़ की, ये वाह अंदर ही जाएगी और कहाँ जाएगी, अंदर ही जाएगी
अंदर जाइए, वैले पार्किंग होगी इसमें तो शायद, वैले पार्किंग होगी, एंट्रेंस एंट्रेंस सब बढ़िया है यार, शानदार। अंदर चल के मिलते हैं आप सब लोगों से फिर। तो गाइस माधोगढ़ में आ चुके हैं फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और ये हम विद फैमिली आए हैं, वेद और उसकी मम्मी ये रही, और हेक्सा जा रही है उस साइड। हेक्सा की यार एक लाइट खराब हो गई, इसको करवाना पड़ेगा सही। इसका ही जो एंट्रेंस है ना वो थोड़ी हेरिटेज टाइप में है, मतलब फोर्ट टाइप में, कि हाँ फोर्ट टाइप स्ट्रक्चर रखा है, गढ़ माधोगढ़ नाम के हिसाब से रखा गया है इसका। और इसकी एंट्रेंस दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखो इसकी एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है इसकी नीरज की शादी में। हालांकि ऐसे एंट्रेंस तो नहीं करवाई, फिर भी कुछ तो करवाया ही है, अब देखते हैं नीरज की शादी में कैसा क्या इफेक्ट आता है। आजकल यार एंट्री के नाम पे कुछ भी होता है, मतलब कोई भी कितना भी पैसा लपेट सकता है। अंदर क्या कॉपीराइट के इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह है तो अपन शूट नहीं करेंगे ज़्यादा। बाय। और ये अंदर का है डाइनिंग एरिया, काफ़ी अच्छा है, मतलब अलग से थोड़ा सेटअप किया हुआ है। तो ये केटरिंग पता नहीं किसकी है, जय ब्रॉय की है किसकी है। अब खाना खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है भाई, सुबह से खाना नहीं खाया इस चक्कर में यार। चलो गाइस खाना खा के मिलते हैं। गाइस मस्त खाना, और देखो जिस जो टेबल हमें मिली है वो कितनी प्यारी है। गाइस आ चुकी है विंटेज कार वेद के लिए। वेद विंटेज कार में बैठ रहा है क्या? माँ को बिठा उधर, इधर देखना वेद। अरे वाह, पापा आप भी बैठ जाओ, आप तीनों बैठ जाओ वेद को गोदी में लेके। ये लो भाई, दादा पोता और माँ। सो गाइस मम्मी पापा और तो इससे ही आ रहे हैं घर पे, अब हम एग्जाम में निकल रहे हैं। ठंड हो चुकी भयंकर यार। वेद आ जाएगा क्या? अपने टैंक में चलेंगे। आजा गाइस, टाइम टू से गुड बाय टू दिस वेडिंग प्लेस। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत मजा आया। अब सॉन्ग बजने वाला है तो कॉपीराइट इशू। चलो मिलते हैं, बाय।